तो दोस्तों आज हूं मैं गाजियाबाद आउटलेट और यहां पर ये वीडियो है स्पेशल पेरेंट्स के लिए। देखो बड़े भाई आए हैं अपने छोटे सगे भाई को सप्लीमेंट दिलाने के लिए और छोटे भाई देखो लंबी लंबी जुल्फियां बढ़ा के आए हैं। वाह ये देखो जुल्फी भैया कितना खर्चा करते हो जुल्फियों में? भाई कुछ खर्चा नहीं करता मैं। यार ऐसा तो नहीं हो सकता? कुछ तो हो जाता है थोड़ा बहुत। फिर भी कितना हो जाता होगा? 1200। 1200 रुपए की भैया जुल्फियां सजा के आए हैं और बड़े भैया साथ आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? योगेश नाम। योगेश भैया आपका क्या नाम? अमन। अमन अब यहाँ पर सुनो जरा ध्यान से, भैया क्यों लाए हैं यहाँ पर? भैया ने अभी अभी जिम ज्वाइन की है। भैया अमन भैया कितने दिन हो गए जिम ज्वाइन किए छोटे भाई को? इसको 15 दिन हो गए। 15 दिन हुए मात्र जिम ज्वाइन किए हुए। अच्छा योगेश भाई मुझे बताओ लाइफ में पहली बार जिम लगाई है? हाँ जी, पर ना मैं कोई ले नहीं रहा था प्रोटीन वगैरह, तो जिम वाला जो ट्रेनर है ना वो सजेस्ट कर रहा था बहुत दिन से, भाई मैं तेरे को ऐसी चीज दूंगा 80 किलो वजन हो जाएगा ये वो। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने भाई से बात करी, भाई कह रहा अभी कुछ मत ले, मैं तेरी एक बार बात करवा के आता हूँ भाई से। ये आपको जानते थे, वीडियो वगैरह देखते थे। तो दोस्तों यहाँ पर अमन भैया बड़े भाई जो है वो जानते थे, पर छोटे भाई को स्पेशल लेके आए सप्लीमेंट्स मिला। अमन भैया सप्लीमेंट तो नहीं दिया ना? नहीं अब नहीं दिया। नहीं दिया अभी नहीं, 2 महीने बाद दूंगा। अगर आपने लाइफ में पहली बार जिम ज्वाइन की है तो कम से कम 1 से 2 महीने आपको नॉर्मल जिम करनी है, जिम का शेड्यूल बनाना है, डाइट का शेड्यूल बनाना है, उसके बाद सप्लीमेंट्स लगाना है। दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सप्लीमेंट को जादू चमत्कार नहीं है और सही सलाह आपको सप्लीमेंट्स मिला ही देगा। यहाँ पर अमन भैया से पूछ रहा हूँ, अमन भैया मुझे एक चीज बताओ, अगर सप्लीमेंट्स मिला के अलावा आप कहीं और दुकान पे गए होते छोटे भाई को लेकर के, खाली हाथ वापस जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। नहीं जा सकते थे क्यों? क्योंकि सबका गोल है सेल और मेरा गोल है भाइयों का प्यार लेना। इतने सारे भाई हरिद्वार और पता नहीं कहां कहां से, पानीपत सोनीपत कहां कहां से आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि दोस्तों गलत सलाह नहीं देता मैं भाग रहा हूं आपके प्यार के पीछे। और दोस्तों जब सप्लीमेंट की जरूरत होगी 2 महीने बाद मुलाकात करूंगा, अभी 15 दिन हो गए तो मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद इनसे मुलाकात करूंगा, जो रोहिणी वाले आउटलेट पे भैया से मुलाकात हो जाएगी, द्वारका से आए हैं। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखें और ये वीडियो पेरेंट्स जरूर देखें। अगर आपका बच्चा नया है अभी जिम ज्वाइन कर रहा है लाइफ में पहली बार, तो उससे बोलो 1 से 2 महीने कोई सप्लीमेंट लेना बेटा तुझे। और अगर सप्लीमेंट्स लेना है तो देखो बड़े भाई बता देंगे, बड़े भाई बाप बराबर होता है। भैया अगर सप्लीमेंट्स लेना है तो कहाँ से? सप्लीमेंट विला। सप्लीमेंट्स विला से। तो यहाँ पर भैया अभी फिलहाल वापस जाएंगे, खाली हाथ ही। लगा कैसा आपको यहाँ के? अच्छा लगा। और रबड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अमन भैया आपको कैसी लगी? जबरदस्त लगी। तो आप लोगों के रिव्यू बिल्कुल है ना ऑनेस्ट है, किसी को भी मतलब सब ऐसे पहले आए थे हम सबसे, तो ऐसे सारे भाई मिले, उन्होंने बताया भाई शेयर करा, किसी को मतलब ना पैसे देते हो ना ऐसी कोई बात नहीं, अपने दिल से आते हैं जो भी भाई आते हैं। तो यहाँ पर सुन लो भैया ने रिव्यू लिए थे 2-4 भाइयों के, तो सबने जो है पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं। दोस्तों यही मेरा गोल है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, मैं आपसे तो पता भी नहीं था यहाँ से आने से पहले, मतलब आपके बारे में यहाँ से बंदों से मिला तो पता चला और अच्छा भी लगा कि हाँ भाई ट्रस्ट है लोगों का मतलब बहुत ज्यादा आप पे। तो सुन लो ये ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मैं आपका पीछा छोड़ने वाला हूँ नहीं और आपको भी नहीं छोड़ना पीछा किसका? सप्लीमेंट चलाता। तो अब 2 महीने बाद इनको सप्लीमेंट दूंगा। आप भी ध्यान रखें अगर अभी अभी जिम ज्वाइन करिए तो सप्लीमेंट्स वाला नहीं आना आपको, पहले जिम का शेड्यूल मतलब एक्सरसाइज का शेड्यूल, डाइट का शेड्यूल, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्स वाला कम से कम 2 महीने बाद। तो जुड़ो सप्लीमेंट्स वाला से। यहाँ पर भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है, योगेश भाई अमन भाई थैंक यू, आप भी आइए सप्लीमेंट्स वाला।